हेलो। तो चलो आज हम अपना चैप्टर दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट क्यों बोल रहे हो सर? मेरे तो रिस्टार्ट ही है, मेरे को दोबारा से कराना पड़ रहा है ये चैप्टर। थोड़ी आपको वीडियोस में वॉइस क्लियर नहीं थी ना, तो आई थिंक अभी आपको क्लियर होनी चाहिए ना। उसमें कुछ माइक्रोफोन में ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे पता चला नहीं, बाद में रिकॉर्ड करता गया पर बात मानना पड़ा कि प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं चैप्टर थ्री भी, बेसिकली पार्ट थ्री भी है चैप्टर थ्री का, विच टॉक्स अबाउट सॉल्यूशन। विच टॉक्स अबाउट सॉल्यूशन, जो टॉक सॉल्यूशन के बारे में बात करता है, जो सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कुछ मीनिंगफुल टर्म्स आपको बताता जा रहा हूँ। क्या होता है सॉल्यूशन का मीनिंग? सॉल्यूशन मीन्स द मिक्सचर, सॉल्यूशन मीन्स मिक्सचर, सिंपल सा। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? मिक्सचर। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? मिक्सचर, है ना। सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है सर। मिक्सचर मतलब क्या? जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप आपस में मिला देते हो, उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप आपस में मिला देते हो, तो जो बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन क्यों नाम हो गया? सॉल्यूशन मतलब हो गया कि आपने उसके अंदर कोई चीज़, अब ये केमिकल लैंग्वेज होगी बेसिकली। मिक्सचर एक जनरल वर्ड हो गया, सिंपल सा मैं आपको बताऊँ। मिक्सर एक जनरल वर्ड हो गया, और मिक्सर को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। ठीक है सर, हमें यहाँ पे किस सॉल्यूशन के बारे में बात करना है? सर आटे में नमक मिलाकर आटा गूंद देना, क्या सॉल्यूशन के बारे में? क्या हम इस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, या सर मिक्सचर जो नमकीन आती है उसके बारे में बात करेंगे, या सर हम बैग में कॉपी किताबें हिंदी की इंग्लिश की सारी मिला देते हैं, ट्यूशन की स्कूल की नोटबुक्स मिला देते हैं, सारी मिक्स कर देते हैं, क्या हम उस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे? नहीं, हम उन सब्सटेंसेस के मिक्सचर के बारे में बात करेंगे जो वाटर में मिलाए जाते हैं, जो वाटर में मिलाए जाते हैं, जो वाटर में मिलाए जाते हैं। यानी कि बता रहा है पहला टॉपिक जो आपका दिया हुआ 3.4 में, ये बताएगा वो सारे मिक्सचर जो कैसे बनते हैं। वाटर में कोई चीज़ जब आप डालते हो, यानी वाटर का किसी और अदर थिंग के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो, तो जो सॉल्यूशन बनता है, तो जो मिक्सचर बनता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, ठीक है। फिर ये बात करता है, अब ये बात करें सॉल्यूशन की, सर प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो प्रॉपर डेफिनेशन में एक ही वर्ड ऐड करना है आपको, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम काइंड, होमोजीनियस मतलब सेम काइंड। दो वर्ड होते हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड, और हेटरोजीनियस मीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड, ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, तो कह रहे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है सर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम काइंड के मैटर, जिसके अंदर सेम काइंड से, सॉरी कंपोनेंट बोलूंगा मैं, जिसके अंदर सेम काइंड के कंपोनेंट क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। यानी उस सेम काइंड के जो मिक्सचर बनते हैं ना, सेम काइंड के मिक्सचर जो बनते हैं, हम उनको सॉल्यूशन बोलते हैं। सर ये मिक्सचर किन किन चीज़ों का बनेगा? दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट हो सकते हैं सर। दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, हाँ, ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, जिसका कंपोजिशन धीरे धीरे चेंज हो सकता है, जिसका कंपोजिशन धीरे धीरे चेंज हो सकता है। तो कैसे चेंज होगा? बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो समझ में नहीं आया इसका मीनिंग क्या है? तो दो चीज़ें तो मुझे आपको समझानी है, एक तो कंपोनेंट्स का मीनिंग, और एक तो ये वाला चेंजिंग वाला। ठीक है सर, क्या मीनिंग लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है ये? बेसिकली देखो, कंपोनेंट्स दो तरीके के होते हैं। कंपोनेंट्स दो होते हैं किसी भी मिक्सचर, सर दो कंपोनेंट होंगे। सर दो कंपोनेंट होंगे मतलब क्या? आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी दुनिया का एग्जांपल, नहीं कह रहा केमिकल केमिस्ट्री का, कोई भी तो एग्जांपल ले लो मिक्सर बनाने के लिए। सर मिक्सर बनाने के लिए कोई भी दो, मतलब मिक्सर जब करोगे दो या दो सारी चीज़ों को करोगे, तो सर क्या चीज़ हो सकती है? धीरे धीरे स्टार्ट करना। आप कोई भी दुनिया का एग्जाम्पल ले लो, उसमें दो चीज़ें मिक्स करें, उससे ज़्यादा पे बन जाना, अभी दो पे आना धीरे धीरे। कोई भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप मेरे को बता दो। सर बुक में बैग, वो हमने ट्यूशन की और नहीं, ट्यूशन और नोटबुक की, यानी खाने पीने की चीज़ का मिक्सचर लेते हैं कोई, है ना। आपने दूध में चाय, दूध में शुगर मिक्स कर दें, आपने मिक्स कर दें, मिक्स कर दें, आपने पानी में सॉल्ट मिक्स कर दिया, ये खाने पीने घर के खाने पीने के। तो कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूध और शुगर का ले लें, दूध और शुगर पीते में शुगर मिक्स करके पीते में शुगर मिक्स करके पीते हो, तो एक सॉल्यूशन बनाकर आप पीते हो। तो एक चीज़ हो गई इसके अंदर, दूध और एक शुगर, यानी हम जब भी हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट हो गए, नहीं हो गए सर? एक मिल्क हो गया और एक शुगर हो गया, दो कंपोनेंट हुए नहीं हुए?
हाँ ये दो कंपोनेंट होते हैं सर। मैं तो क्या कहते हैं, दूध में इलायची भी डालता हूँ। हाँ तो इलायची एक तीसरा कंपोनेंट आ गया सर। दो से दो या दो, दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सर बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। सर मैं चाय पीता हूँ सर, चाय में दूध डलती है, चाय की पत्ती डलती है, अदरक डलता है, इलायची डलती है, शुगर डलता है, कुछ लोग एक मसाला भी डालते हैं। तो सर तो बहुत सारी चीज़ें बन गई। हाँ सर, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सर बन गया। पर मेनली ना सर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं सर। पहला क्या, एक तो वो हम ऊपर से डालते हैं, और एक वो जिन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है सर। जैसे कि दूध है, क्या दूध क्या कम हो जाता है, दूध क्या गायब हो जाता है क्या जब आप चाय बनाते हो? नहीं सर, दूध तो दूध रहता ही है। लेकिन सर जो हमने उसके अंदर शुगर डालते हैं वो दिखाई नहीं देती है। दूसरा हम उसके अंदर इलायची डालते हैं, अगर अच्छे से डाले तो वो गायब हो जाएगी, सर थोड़ी बहुत बचेगी। ठीक है, आप उसमें चाय की पत्ती डाल दो तो चाय का जो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, चाय की पत्ती पत्तियाँ रह जाएंगी। एंड जो चीज़ एक तो चीज़ होती है जो एब्जॉर्ब करती है, और एक चीज़ होती है जो एब्जॉर्ब हो जाती है। एक चीज़ जो एब्जॉर्ब करती है और एक चीज़ जो एब्जॉर्ब हो जाती है, ये दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में ना। दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वो जो दूसरी चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, जब दूसरों को अपने अंदर मिला ले, कॉम्बिनेशन मतलब दूसरे कंबाइन हो गए, तो कंबाइन करने वाला भी तो चाहिए। एक तो कंबाइन करने वाला हो गया एक कॉम्पोनेंट, और एक हो गया कंबाइन होने वाला। सर कंबाइन होने के लिए तो रेडी होना चाहिए, दो चीज़ों को मिक्स करना चाहिए, मिक्स करने वाला चाहिए और मिक्स होने वाला चाहिए। तो ये दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, जो मिक्स करने वाला होता है, जो कंबाइन करने वाला होता है, जो डिजोल्व करने वाला होता है, जो एब्जॉर्ब करने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे कि दूध और शुगर का एग्जाम्पल लेता हूँ, शुगर किस में डिजोल्व हो रही है, दूध किस में कंबाइन हो, तो शुगर किस में कंबाइन हो रही है, तो शुगर मिल्क में कंबाइन हो रही है, तो मिल्क आपके जगह पर क्या हो जाए, सॉल्वेंट। और सर जो चीज़ कंबाइन हो रही है, जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, यानी कि शुगर। शुगर डिजोल्व हो, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी दो चीज़ हो गई, एक पे एब्जॉर्ब कर रहा है और एक एब्जॉर्ब हो रही है। मिल्क एब्जॉर्ब कर रहा है, मिल्क एब्जॉर्ब कर रहा है सर। क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, मिल्क, मिल्क शुगर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो एब्जॉर्ब करता है हम उसको बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट। ठीक है, और उससे एब्जॉर्ब हो रही है सर, कौन सी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी शुगर एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी शुगर एब्जॉर्ब हो रही है, तो शुगर एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ शुगर गायब हो जाएगी सर। जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही होती है हम उसको बोलते हैं सॉल्यूट। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो कॉम्पोनेंट दो तरह के होते हैं, कॉम्पोनेंट दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मतलब वो सब्सटेंसेज जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और सॉल्वेंट मतलब एब्जॉर्बर जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो जनरली क्या होता है, जनरली लिक्विड होते हैं सर। गैसेस भी होती हैं पर जनरली लिक्विड होते हैं, जो चीज़ों को डिजॉल्व कर लेते हैं अपने आपस में, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, जनरली लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है, तो ये तो पहले टर्म का मीनिंग हो, वो कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स मतलब क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब क्या, सब्सटेंसेस जो मिक्स करेंगे हम, शुगर हो गई, चाय की पत्ती हो गई, अदरक हो गया, इलायची हो गया। ठीक है, और किसके अंदर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, दूध के अंदर। दूध हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। दूध हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो वो कॉम्पोनेंट समझ में आए कि किसी भी सॉल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इनका कंपोजिशन ना चेंज हो सकता है, इनका कंपोजिशन चेंज हो सकता है। सर कंपोजिशन चेंज होने का मतलब क्या, आपने दूध में 1 चम्मच शुगर डाले, सर दूध जैसा है वैसा ही है। ठीक है, अब आप उस दूध के अंदर ना 20 चम्मच शुगर डाल दो, 20 चम्मच। आप देखो कि आपका दूध है ना वो जम जाएगा, वो एकदम तो हार्ड हो जाएगा, वो जेली सा बन जाएगा, जेली सा। उसका जो फॉर्म है ना वो चेंज हो जाएगा सर, वो लिक्विड से जेली बन जाएगा, लिक्विड से थोड़ा जेली बन जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, थोड़ी सी शुगर आपकी वेस्ट होगी। और आपको शुगर वेस्ट नहीं करनी तो ऐसा करना, एक पानी लेना, पानी में थोड़ी सी डस्ट डाल के देखना, तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन सर डस्ट की क्वालिटी बढ़ाते हो, डस्ट की क्वांटिटी बढ़ाते हो, डस्ट के आपका एक सब्सटेंस हो गया, डस्ट के हो गया आपका सॉल्यूट हो गया। जैसे डस्ट की क्वांटिटी बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, उससे सॉल्यूशन का ना फॉर्म चेंज होता जाएगा सर। जब आप 1 स्पून सॉल्ट वो डालोगे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल 1 स्पून, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जैसे आप बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, वो गाढ़ा होता जाएगा, वो कैसे होता जाएगा, सॉल्यूशन थिक होता जाएगा। कैसे होता जाएगा, थिक। तो वो कह रहा है कि इनका ना कंपोजिशन चेंज हो सकता है सर। वो कैसे चेंज होगा, बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। अगर आप कंपोनेंट्स का, अगर आप जो कंपोनेंट्स उसके अंदर है, अगर आप कंपोनेंट्स का क्वांटिटी चेंज कर दोगे तो सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस होता था, पहले आपने एक सॉल्यूशन जो बनाया था उसके अंदर केवल 1 स्पून वो डाला था डस्ट पार्टिकल। अब आप उसमें बढ़ाते आ रहे हो, क्वांटिटी बढ़ाते आ रहे हो आप उसकी, उसकी क्या बढ़ाते आ रहे हो, वो क्वांटिटी बढ़ाते आ रहे हो। तो जैसे आपने क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, अमाउंट मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से है। ठीक है, तो जैसे आप उस कंपोनेंट की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से इक्वेशन क्या बनाए कि सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
जैसे आप सॉल्यूट मिलाओगे उसमें, सॉल्वेंट में, आपका क्या कहते हैं, आपका वो लिक्विड आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन दैट अलाउज वन और मोर कॉम्पोनेंट्स टू डिजोल्व इन इट और इट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वही मीनिंग बता रहा है अभी आपको, वही मीनिंग बता रहा हूँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मीनिंग बता रहा है। तो सॉल्वेंट का ध्यान रखो मैंने क्या बताया, ये तो बाद में पढ़ना, पहले जो मैंने बताया वो ज़्यादा ध्यान रखो। सॉल्वेंट मतलब क्या, जो दूसरों को एब्जॉर्ब करता है, जो दूसरों को एब्जॉर्ब करता है, तो केमिकल लैंग्वेज में क्या हो, जो दूसरी चीज़ को डिजोल्व करता है, जो दूसरी चीज़ को डिजोल्व करता है, तो वो लिखा हुआ है द मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन, एक ऐसी जो दूसरों को क्या कर सके डिजोल्व कर दें, एक ऐसी जो क्या कर दें, इट अलाउज वन और मोर कॉम्पोनेंट्स टू डिजोल्व इन इट, यानी एक ऐसा तरीका, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा चीज़ जो कॉम्पोनेंट्स को अपने अंदर डिजोल्व होने दे, जो कॉम्पोनेंट्स को अपने अंदर क्या होने दे, डिजोल्व होने दे। सर डिजोल्व क्यों होने दे, ताकि उसे एक सोल्यूशन बन जाए, ताकि उसे एक सोल्यूशन बन जाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। और सब वो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस, वो कॉम्पोनेंट्स, वो सब्सटेंस जो डिजोल्व होता है, जो डिजोल्व होता है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपसे एग्जाम में तो डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में मीनिंग याद रखना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब एक यहाँ पे हेडिंग डालो पेंसिल से, टाइप्स, मैं थोड़ा आपकी बुक की नोटिंग, बुक में नोटिंग करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आइए आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट्स, पूरी हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट्स। सर ऐसे क्यों लिखवा रहे, क्योंकि अदर टाइप्स भी आएंगे, अदर टाइप्स भी आएंगे, यहाँ पे आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ये क्या है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो अभी आप यहाँ पर टाइप्स, टाइप्स ऑन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट है ना, देखिए तब वो कह रहा है। अब देखो आपके कॉम्पोनेंट हमने क्या पढ़ा था, सर मिक्सर हो सकता है, सर उसमें दो कॉम्पोनेंट भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सर जिसमें दो कॉम्पोनेंट होंगे उसका अलग नाम होगा, उसमें दो से ज़्यादा होंगे, जिसमें तीन होंगे उसका अलग नाम होगा, उसमें चार होंगे उसमें अलग नाम होगा, जिसमें चार होंगे हाँ अलग अलग नाम होंगे हाँ। तो उन्हीं को हमने बोला टाइप्स ऑफ, उसी को मैं हेडिंग कर लूँ टाइप्स ऑफ। ये आपको बता दूँ कुछ वर्ड्स होते हैं रूट वर्ड्स, BI TER क्वार्टर लिख लो कहीं पे, BI का मतलब टू, टर का मतलब थ्री, क्वार्टर का मतलब फोर। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, तो बाइनरी मतलब दो हो गया, बाइनरी मतलब क्या दो, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर क्या है दो कंपोनेंट्स हैं, उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो चार कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये नाम वगैरह दिए हुए हैं, हेयर वी शैल डील विद बाइनरी सॉल्यूशंस ओनली। वो कह रहा है कि आप छोटी क्लास में आप पहली बार सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो टर्नरी, क्वार्टरली और इससे ज्यादा वाले कॉम्पोनेंट्स में नहीं जाएंगे, केवल सबसे छोटा पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर हम दो कॉम्पोनेंट्स को मिक्स करते हैं केवल, नहीं तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा समझना पहले लेवल पे। आप स्टार्टिंग धीरे धीरे करते हैं, थोड़े छोटे छोटे लेवल से करते हैं, ठीक है। विच कंपोज ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सर बाइनरी सॉल्यूशन के दो कॉम्पोनेंट होंगे, अब वो दो क्या होंगे, सर एक तो कम से कम सॉल्यूट होना चाहिए, एक तो कम से कम सॉल्वेंट होना चाहिए, तो ये दो होंगे उसके अंदर केवल। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वेन सॉल्ट क्रिस्टल्स डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सैलाइन वाटर, द सॉल्ट इज क्लासिफाइड एज द सॉल्यूट एंड द वाटर इज क्लासिफाइड एज द सॉल्वेंट। एग्जाम्पल दे रहा है, जब आप उस सॉल्ट को एक वाटर में मिक्स करते हो, तो सॉल्ट को सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, और जो मटेरियल डिजोल्व हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूट, उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूट। तो वो कह रहे हैं तो सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। अब वाटर जो डिजोल्व करता है, जो डिजोल्व करता है उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, उस वाटर को हम क्या बोलेंगे सॉल्व। और इन दोनों से जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सर को हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन। तो एग्जांपल देखिए आपको टर्म्स क्लियर कर रहा है, एग्जांपल देखकर आपको क्या कर रहा है, टर्म्स क्लियर कर रहा है, ठीक है। इफ द कॉम्पोनेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स,
देन द सॉल्वेंट इज दैट कॉम्पोनेंट विच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द फाइनल सॉल्यूशन। सर क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया ना। हेडिंग लिखो इसके बगल में, हेडिंग लिखो इसके बगल में, मतलब यहाँ पर लिखो, यहाँ पे जगह पे बुक में बगल में यहाँ पे लिखो हेडिंग है, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मीनिंग आप मुझे बताओ, सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है सर? सॉल्वेंट मतलब वो चीज़ जो दूसरों को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर केमिस्ट्री की दुनिया में बोलता है दूसरी चीज़ों को डिजॉल्व कर ले। हाँ सॉल्वेंट मतलब वही चीज़ है दूसरी चीज़ों को क्या कर ले, अपने अंदर डिजॉल्व कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर बताता हूँ। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए, आप मुझे खुद बताना। वहाँ पर दो पैराग्राफ दिए हैं, आप दोनों पैराग्राफ फिर से समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ है, मैंने मिल्क लिया, इसमें मैंने थोड़ी सी ली शुगर, ठीक है, इससे मेरा क्या बन गया, इससे मेरा क्या बना, स्वीट मिल्क, इससे मेरा क्या बना, स्वीट मिल्क। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये तो एग्जाम्पल नंबर हो गया वन, ये तो एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका वन। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम टू, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं टू। वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने क्या किया, न, 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 क्या लूँ आप बताओ। लेट मी, चलो एक एग्जाम्पल लेते रफ लैंग्वेज ले लें। एक हमने टी ली, ठीक है सर, ये 5 ml टी थी, 5 ml टी थी, 5 ml है ना, इसको 5 ml लिख लेना, 5 ml टी थी ग्लास में। ठीक है सर, कोई इंसान था जो, और उस टी के अंदर चाय की पत्ती ज़्यादा थी थोड़ी सी, इस 5 ml के अंदर चाय की पत्ती थोड़ी ज़्यादा थी, 5 ml चाय थी कप में, ठीक है ज़्यादा ले लेना, अब मैंने 1 ml लिया है, थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, 5 ml चाय थी कप में। ठीक है, इस चाय के अंदर ना चाय की पत्ती थोड़ी ज़्यादा थी, यानी चाय काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। अब कोई इंसान जो स्ट्रांग चाय नहीं पीता, उसको लाइट ही पीनी है, उसको हल्की चाय पीनी है जिसमें चाय की पत्ती कम हो, तो उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर 2 ml अलग से मिल्क डलवा लिया, ताकि चाय का फ्लेवर जो है, चाय की पत्ती का जो फ्लेवर, उसका थोड़ा इफेक्ट जो है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाए, जो स्ट्रॉन्ग टी थी अब उसकी थोड़ी लाइट हो जाए। तो उसने 2 ml का डलवा लिया, मिल्क डलवा लिया, मिल्क डलवा लिया। ऐसा होता ही नहीं होता, आपने घर में देखा होगा कभी, डल जाती ना ऊपर से चीज़ें, है ना। तो इनसे पता है क्या बनेगा आपका, आपकी एक नॉर्मल लेवल की टी बन गई, आपकी एक नॉर्मल लेवल की क्या बन गई, नॉर्मल लेवल की क्या बन गई, टी बन गई, एक नॉर्मल टी बन गई, पहले वो स्ट्रॉन्ग थी, नॉर्मल टी बन गई। ठीक है, अब दो चीज़ें देखना, जो पहला वाला जो केस है ना, अगर आपने नोट नहीं किया हो, और अगर नोट किया हो, यहाँ पर हेडिंग डाल लेना, इसके ऊपर थोड़ी सी जगह दे देना, ये केस मतलब केस टू था। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड। सर क्या समझाना चाह रहे हो, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट, ये हेडिंग लिखी है ना अभी आपने ऊपर टॉपिक में, वहाँ पे तो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट वो सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट तो सर यहाँ पे भी कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, जब लिक्विड और सॉलिड सॉलिड मिल रहे हैं सर, यहाँ पर भी कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा सर। यहाँ पे तो हमें पता होता है जनरली लिक्विड ही सॉल्वेंट होता है, तो आप यहाँ पे बिना दिमाग लगाए बोल दोगे सर यहाँ पे तो लिक्विड जो है ना, जो लिक्विड फॉर्म में वही सॉल्वेंट होगा, मैंने कहा मिल्क, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताओ इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, दोनों ही लिक्विड हैं, अब कौन सा लिक्विड सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है, आप बताओ ज़रा, नहीं पता लगा पाओगे ऐसे तो सर। तो रट्टा नहीं माना, अब लॉजिक समझो इनका, कैसे आइडेंटिफाई करोगे।
तो वो कह रहा है सॉल्वेंट मतलब वो, पहले बता रहा हूँ मैं ये वाला रूल आपको, लिक्विड और सॉलिड के रूल बताना। अगर लिक्विड और सॉलिड मिलकर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ऐसे केस में रूल क्या होता है? ऐसे केस में रूल होता है कि ये चेक करो कि जो फाइनल जो आउटपुट आ रहा है, फाइनल जो सॉल्यूशन आ रहा है, इस फाइनल सॉल्यूशन की फॉर्म क्या है। इस फाइनल फाइनल जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, फाइनल जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसकी स्टेट क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, इसकी स्टेट क्या है। स्टेट चेक करनी पड़ेगी, इसकी स्टेट क्या है। तो आपने चेक किया सर ये स्टेट, सर ये स्वीट मिल्क है, स्वीट मिल्क यानी लिक्विड स्टेट में, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, ये किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। हाँ यानी कि पहला स्टेप क्या था, स्टेप वन क्या था आपका, स्टेप वन, स्टेप वन लिख लो उसको, स्टेप वन क्या था आपका, आप आइडेंटिफाई करो कि आपका जो सॉल्यूशन जो निकल कर, यानी जो आपका जो आउटपुट है, आउटपुट वो किस स्टेट में है। तो वो देखा कि सर वो हमारा लिक्विड फॉर्म में, वो हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, फिर चेक करो जब आपने जो चीज़ें बनाई थी, जो चीज़ें बनाई थी उनमें देखो क्या उनमें ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट यहाँ पे, इसमें कंपोजिशन में छांटो। अब यहाँ पे थोड़ी सी छांटो जरा, यहाँ पे ये आँखें हैं आपके, यहाँ पे देखो कहाँ है ये लिक्विड, यहाँ पर देखो लिक्विड कहाँ है यहाँ पर। तो आपने देखा लिक्विड ये रहा, आपने देख लिया आपका लिक्विड ये रहा, आपने देख लिया, आपकी नज़रें पहुँच गई, आपकी नज़रें पहुँच गई, आपकी नज़रें पहुँच गई कि सर ये रहा लिक्विड, आपका नज़रें पहुँच गई, आपकी नज़रें पहुँच गई, लिक्विड आपका ये रहा, आपका लिक्विड ये रहा। तो यानी कि हाँ, तो हम इसमें पता है क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉरी, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट होगा मिल्क। यानी कि जो फाइनल आउटपुट की जो स्टेट है ना, क्या वही स्टेट, क्या वही स्टेट वाली चीज़ हमारी क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। सर ऑब्वियस सी बात है, सर बचेगा कौन, जो स्ट्रांग होगा, बचेगा कौन, जो स्ट्रांग होगा। सर हमने एक लिक्विड डाला और एक सॉलिड डाला, हमारे पास बचा क्या है, लिक्विड। यानी कि सर लिक्विड सॉल्यूड सॉलिड को खा गया, लिक्विड सॉलिड को एब्जॉर्ब कर गया, सर जो बचा वही तो हमारा, जो एब्जॉर्ब करके फिर वही तो बचा। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग बताया था, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग बताया था कि जो एब्जॉर्ब करता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये बेचारा लिक्विड ये तो शुगर को एब्जॉर्ब कर गया, तो लास्ट में बचा ही क्या, लिक्विड, लिक्विड सॉलिड को एब्जॉर्ब करके तो बचा ही कौन, लिक्विड। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसका अगर डेफिनेशन पढ़नी है तो डेफिनेशन में आपको अच्छी तरह समझाइए, लेकिन यहाँ पे बुक वाले क्या कहते हैं, बुक वाले थोड़ा घुमा के बोलते हैं, वो कहते हैं आप ना ये देखो आपको जो फाइनल कंपोनेंट है ना उस पर जाओ जरा, फिर देखो फाइनल जो सॉल्यूशन बना उस फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट क्या है, फिर सर जो उसकी जो स्टेट है वो स्टेट आप देखो इन कॉम्पोनेंट्स में, क्या वो वाली स्टेट यहाँ पर है। हाँ अगर यहाँ पर है तो वही आपको क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब बना जनरल डेफिनेशन लगाओगे तो सिंपल सा, जो एब्जॉर्ब करता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे सो लिक्विड सॉलिड को एब्जॉर्ब कर गया, तो लिक्विड फॉर्म बची है, तो यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म है यानी मिल्क, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये तो पहला तरीका, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि इफ द कॉम्पोनेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, अगर कॉम्पोनेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो ऐसे केस में सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट इज दैट कॉम्पोनेंट, सॉल्वेंट वो कॉम्पोनेंट है, वो कॉम्पोनेंट है जो सेम है, जो मिलता जुलता है, जो मिलता जुलता है, सब किससे मिलता जुलता है, स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, यानी जो फाइनल सॉल्यूशन की जो स्टेट है ना उससे मिलता जुलता है, यानी ऐसा कॉम्पोनेंट जिसकी स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट से मिलती जुलती है, ऐसा कॉम्पोनेंट जिसकी स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट से मिलती जुलती है, वो ही कॉम्पोनेंट आपको क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यानी कि यहाँ पे मिल्क है, उस मिल्क की स्टेट जो है ना वो फाइनल सॉल्यूशन से मिलती जुलती है, तो आपका मिल्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। बट वॉट अबाउट अगेन सब्सटेंसेस आर इन सेम फेज, सर दोनों सेम स्टेट में, दोनों लिक्विड लिक्विड हो, दोनों लिक्विड लिक्विड हो तो क्या होगा, तो आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, वो मीनिंग, मीनिंग पे ध्यान रखो, आपको ये रूल्स पढ़ने नहीं है, मीनिंग पे मैंने कहता है जो एब्जॉर्ब करता है, जो एब्जॉर्ब करता है, तो जब टी में मिल्क मिलाओगे तो सब बच के क्या है, टी आया। सर टी और मिल्क की लड़ाई हुई, सब बच आज साल, लेकिन जीता कौन, टी, यानी टी ने एब्जॉर्ब कर लिया ना मिल्क को, अगर मिल्क एब्जॉर्ब कर लेता तो मिल्क बचती, लेकिन टी ने मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया, सर टी बचा। सर जो दूसरों को हरा देगा वही तो बचेगा मैदान में, टी ने मिल्को को हरा दिया, टी ने मिल्को को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो टी बचा। तो सर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए आपके पास बेसिकली, सॉल्वेंट टी होना चाहिए, टी ही है। लेकिन अब बुक वाले आपको किस तरीके से बताएंगे, वो कहेंगे आप ऐसा करो, ये चेक करो इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वही आपको सॉल्वेंट। सर ऐसा क्यों बोला उन्होंने, जो मैंने बोला
वही इन्होंने बोला बस अलग लैंग्वेज में, सर मतलब आपकी लैंग्वेज कैसे इनकी लैंग्वेज से मैच करती है। इन्होंने जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वही सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा यानी वो ताकतवर ज़्यादा, और जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो तो एब्जॉर्ब कर पाएगा सामने वाले को। सर यहाँ पे 5 ml है ये, वहाँ पर 2 ml है, सर 5 ml के आगे 2 ml कहाँ टिकेगा। तो जो जीता वही सिकंदर, जो जीता जो बचा वही आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा है जो क्या है, द कॉम्पोनेंट डेट इज इन एक्सेस, ऐसा कॉम्पोनेंट जो इन एक्सेस है, जो एक्सेस है जो क्या है, एक्सेस है जो क्या है, एक्सेस है ज़्यादा है, जो क्वांटिटी में ज़्यादा है, हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बुक से पढ़ता क्लियर नहीं होता, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, आप चाहो तो अपने नोटबुक में एग्जाम्पल ये नोट कर सकते हो इस टॉपिक पे, चाहे इसे पेज पर एक स्टिकी नोट लगा कर ये लिख सकते हो। ठीक है, और सिंपल फंडा क्या है सर, आपको अगर कहीं पर कोई ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इतने रूल्स ना लगाने हो, तो सिंपल चाहते चेक डिजोल्व कौन कर रहा है, सर जो डिजोल्व कर रहा है बस वही सॉल्वेंट है। ठीक है, और कहीं कोई लिखने के लिए पूछ ले, तो लिखने के लिए पूछे तो आपके रूल लिखने पड़ेंगे फिर तो, जो बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कह रहा है सॉल्यूशन ना कैसे कैसे बन सकते हैं, सर सॉल्यूशन बन सकता है एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से मिला के सॉल्यूशन बना सकते हैं, हम बना सकते हो सर, सॉलिड और लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन बन सकता है, बन सकता है लिक्विड और गैस मिलकर सॉल्यूशन बन सकता है, बन सकता है सॉलिड का सॉलिड से भी मिक्सचर बन सकता है। ठीक है सर, लिक्विड का लिक्विड से वाटर में एल्कोहल मिला दिया, सर सॉलिड का लिक्विड में शुगर का सॉल्यूशन बना दिया, लिक्विड का गैस में सोडा वाटर बना दिया, सॉलिड का सॉलिड से सर दो कॉपर या एक कॉपर और एल्यूमिनियम मिला के एलो एलॉयज बना डाला। ठीक है, तो ये उस एलो को ये डिफाइन भी करा दिया, वो कह रहा है होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इनटू सॉलिड, एक सॉलिड जब दूसरे सॉलिड में बनता है तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉलिड सॉल्यूशन को हम एक और नाम देते हैं क्या, एलॉयज, उन सॉलिड सॉल्यूशन को हम एक और नाम देते हैं क्या, एलॉयज। वो कह रहे हैं कॉमन मेटल एलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशन, जो कॉमन जो एलॉयज होते हैं ना मेटल के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर कह रहे हैं द गोल्ड यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, जो गोल्ड हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन है सर, सॉलिड सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि गोल्ड अकेला नहीं होता, गोल्ड के साथ कॉपर वगैरह भी मिलते हैं, कॉपर सिल्वर वगैरह मिलाते हैं, तो अगर दो आप दो या दो से ज्यादा आप सॉलिड को सॉलिड से कंबाइन कर रहे हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। तो अगर इसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो हम पहले लिक्विड से लिक्विड को बना रहे थे उसको बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन सर, एक्वियस मतलब वाटर, जो वाटर का वाटर से मिलकर बना हुआ है उसको बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं अभी, है ना। फिर वो कह रहा है ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, ब्रास जो भी ब्रास जो है ना, ब्रास एक मेटल है, वो भी क्या एक सॉलिड सॉल्यूशन है, जो दो चीजों के दो चीजों से मिलकर बना है, कॉपर से जिंक से, कॉपर से और जिंक से, कॉपर से और जिंक से। ब्रास एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर 70% कॉपर होता है, 30% होता है जिंक होता है। और सर आप देखो अब यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे रूल आपको लग जाएगा सर, यहाँ पे 70% कॉपर है, 30% जिंक के केवल, तो 70% ज्यादा ज्यादा है, इसके अंदर ताकत ज्यादा होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, कॉपर एक्स एज अ सॉल्वेंट, जिंक छोटू सा ही तो फिर डिजॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, दिखाई भी नहीं देगा, ये सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। ठीक है, अभी तक इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है।